बच्चों और माताओं की सुविधा के लिए विशेष बेबी फीडिंग रूम 24 घंटे मिलेंगी ये सुविधाएं। होला मोहल्ला मौके पर विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन रूपनगर व्यापक इंतजाम कर रहे हैं। नवजात बच्चों की माताओं के लिए विशेष तौर पर बेबी फीडिंग रूम बनाए जा रहे हैं, जहां बच्चों और माताओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। होला मोहल्ला के दौरान जिला प्रशासन द्वारा यह विशेष पहल की गई है। सहायक मेला अफसर कम SDM मोरिंडा दीपंकर गर्ग, जिला प्रोग्राम अफसर रूपनगर और ब्लॉक विकास और पंचायत अफसर आनंदपुर साहिब और आधारित कमेटी को उचित स्थानों का चुनाव करके बेबी फीडिंग रूम और जरूरी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बेबी फीडिंग रूम के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। यह बेबी फीडिंग रूम ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा दफ्तर आनंदपुर साहिब, बस स्टैंड श्री आनंदपुर साहिब थप्पल और सरकारी हाई स्कूल अगमपुर में बन रहे हैं, जहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसकी जानकारी देने के लिए पंजाबी में सूचना बोर्ड भी लगाए जाएंगे। होला मोहल्ला के दौरान श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। होला मोहल्ला के मौके पर कीरतपुर साहिब और आनंदपुर साहिब में देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त जरूरी सेहत सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। संगतों के लिए 24 घंटे सातों दिन सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। पूरे जिला क्षेत्र में मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, दवाओं की व्यवस्था रहेगी। DC रूपनगर डॉक्टर प्रीति यादव ने कहा कि मेला क्षेत्र को सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में अस्थायी डिस्पेंसरी स्थापित की जाएंगी, जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा जिले के सभी स्थायी स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल भी कार्यशील रहेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर परमिंदर कुमार ने बताया कि सेहत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सब तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। संगत के लिए 24 घंटे सेहत सुविधाएं मेला क्षेत्र मुहैया करवाई जाएंगी।